नमस्कार द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम बात करेंगे जयपुर के उस विधानसभा सीट की जहां पर सबसे कम वोटर्स है और वहां से जीत कर आए प्रत्याशी की धाक पूरा जयपुर देखता है। हम बात कर रहे हैं किशनपोल विधानसभा सीट की। यहाँ से कांग्रेस ने विधायक अमीन कागजी को चुनाव जीत कर कांग्रेस का परचम फिर से फहराने की जिम्मेदारी दी है तो बीजेपी ने चंद्रमोहन बंटवारा पर अपना दाव खेला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की जातिगत समीकरण की, तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाली सीट है लेकिन माली गुप्ता और अन्य जातियां भी अपना वोट बैंक रखती है। आपको बता दें किशनपोल विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। राजधानी जयपुर में किशनपोल विधानसभा सीट पर सबसे कम वोटर्स है और यहाँ पर महिला वोटर्स की संख्या 1 लाख से भी कम है। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या लगभग 1,93,136 है जिसमें महिला वोटर्स की संख्या लगभग 91,698 है। खास बात यह है कि हर विधानसभा सीट पर वोटर्स की संख्या लगातार बढ़ती रही है लेकिन आंकड़ों के अनुसार किशनपोल सीट पर करीब 6,000 वोटर्स कम हो गए हैं। 2018 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 46 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत इस सीट पर आजमाई थी जिसमें अमीन कागजी को 71,189 वोट मिले तो बीजेपी के मोहनलाल गुप्ता के खाते में 62,419 वोट आए। मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद यहां 2018 में पहली बार कोई मुस्लिम प्रत्याशी जीता था। 15 सालों तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही रही। बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी की तो इनके आय का मुख्य जरिया व्यापार है। इन्होंने हाल ही में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हिंदू लड़की से दूसरी शादी करके सुर्खियां बटोरी। राजस्थान हज समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं लेकिन फिलहाल अपनी राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत जीवन के लिए ये चर्चाओं में। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन बंटवारा की तो ये टिकट मिलने से ज्यादा टिकट पर लोगों के विरोध को लेकर चर्चा में है। उनको टिकट देकर ज्योति खंडेलवाल को साइड करने से वैश्य समाज नाराज है। संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रमोहन एडवोकेट है और वह पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। अगर इस सीट से समस्याओं की बात करें तो साफ पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की तैयारी की थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ पर हिंदू पलायन के मुद्दे पर काम किया। पिछले दिनों हिंदुओं के पलायन के पोस्टर भी यहाँ लगाए गए। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं एक और विधानसभा सीट के बारे में। नमस्कार।